भिवंडी भाजपा शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में पार्टी को बढ़ाने हेतु कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसी प्रकार पार्टी में मुख्य भूमिका उत्तर भारतीय समाज की रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए भाजपा में कई वर्षों से कार्य करने वाले प्रवीण मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष उत्तर भारतीय आघाड़ी के पद पर नियुक्त किया गया। तो वहीं पर प्रवीण मिश्रा ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि उन पर दी हुई जिम्मेदारी वह भली भांति निभाएंगे और समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलेंगे, साथ ही पार्टी द्वारा समाज को सारी सुविधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो यहाँ के खासदार हैं माननीय श्री कपिल पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के आमदार महेश चौधरी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर जिला के अध्यक्ष माननीय संतोष चंद शेट्टी जी, उन्होंने जो हमको इस पद की जिम्मेदारी दी है, जवाबदारी दी है, मैं यही चाहूँगा कि हमको उत्तर भारतीय समाज के एक साथ मिलकर, समाज बड़ा है तो हमारे यहाँ संभावनाएं भी बड़ी हैं और हमारा इस समाज बहुत अच्छा समाज है। इस समाज की जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। हमारा समाज थोड़ा सा नाराज हो जाता है, नाराज होने के पीछे कारण है कि हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। जिस तरीके की एक परिवार के अंदर 7 सदस्य रहते हैं, 10 सदस्य रहते हैं, अगर हम किसी 2 ही सदस्य को ध्यान देंगे और बाकी 5 सदस्य को भूल जाते हैं तो परिवार भी नाराज होता है, उसी तरीके हमारा समाज भी है। लेकिन जैसे हम थोड़े से अपने समाज के साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, हमारा समाज हमको सदैव अपनाए रहता है और हम उसके हमेशा रेडी, क्योंकि इससे बढ़िया समाज हम किसी समाज को नहीं तुलना कर सकते इस समाज से। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के ABP से जुड़ा रहा, यानी विद्यार्थी परिषद से। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रकाशन मंत्री का चुनाव भी लड़ चुका, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मैं राजनीति यानी उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री के रूप में स्टार्ट किया, फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा बनाया गया और इस समय मैं इसके पूर्व जो थाने पालघर विभाग था वहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी काम किया, अभी जैसे प्रवासी संघ का अभी आमदार का इलेक्शन था उसमें मैं प्रवासी संघ का प्रमुख था। इसी तरीके से मैं कल्याण विधानसभा में, बदलापुर, सीहू, नई मुंबई के बहुत सारी जगह पर पार्टी का नेतृत्व किया हूँ। जो जो पार्टी हमको आदेश दी है उस पार्टी के आदेश को हमने सदैव, अपने समाज से यही लोगों से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा समाज रहे वह हमारे साथ में रहे। अगर कहीं हमसे किसी तरीके से, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, मैं एक मानवीय होने के नाते सबसे गलती हो सकती है, अगर मेरी कोई गलती है तो समाज हमको उसको हमको तुरंत सचेत करे। और मैं सदैव इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ, भरोसा देना चाहता हूँ कि बिना समाज के लिए मैं किसी तरीके की गतिविधियों को आगे प्रवाहित नहीं करूँगा। ये श्रमिक वर्ग के हमारे भाई ज़्यादा हैं, मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी है, जहाँ हम रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं वहाँ पे अपना एक पहचान बनाएं, वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे हमारे राशन कार्ड नहीं है, हमारे आधार कार्ड लिंक नहीं है, हमारे वोटर कार्ड नहीं है, वो जिस भी वार्ड में रहते हैं वहाँ पर हम एक मुकाम बना के रखें, ताकि आने वाले, होता क्या है कि जैसे अभी हम यहाँ रहते हैं महाराष्ट्र के में भिवंडी में, और हमारा क्या राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहाँ से भी नाम कट जाता है तो हमारे हमको कोई गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले हम अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जहाँ भी हैं वह अपना नामांकन करके रखें और अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बना के रखें।